नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों हमने पिछले वीडियो में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा था। बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी ने जनवरी 1986 में घोषणा की थी कि हमारे देश में ऐसी राष्ट्रीय नीति आ रही है जो मूल्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगी। 1986 की राष्ट्रीय नीति पूरी तरह से क्रियान्वयन पर आधारित थी, जिसको 12 अध्यायों में बांटा गया था, लेकिन फिर भी 1986 की नीति का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था बच्चों। इसीलिए क्रियान्वयन कार्यक्रम आया 1992 में, जिसे राममूर्ति कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। राममूर्ति जो कमेटी आई वो 23 खंडों में विभाजित थी और इन 23 खंडों में 23 कार्यदलों को विषय डिवाइड किए गए और उनको एक स्पेसिफिक काम दे दिया गया कि आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है। तो राममूर्ति कमेटी ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो दिया बच्चों समावेशी शिक्षा पर, विकलांगों की शिक्षा पर। तो क्या है राममूर्ति कमेटी? तो राममूर्ति कमेटी का मेन जो लक्ष्य था बच्चों वो था विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं को जिला व तहसील स्तर पर स्थापित करना। कुल मिला के बात ये था बच्चों कि जो गंभीर रूप से विकलांग बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उन बच्चों के लिए जिला और तहसील स्तर पर विद्यालय स्थापित करना राममूर्ति कमेटी का मेन उद्देश्य था बच्चों। उसके बाद आता है बाधिता हेतु प्रारंभिक शिक्षा को व्यवस्थित करना, बाधिता हेतु प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना। जो शारीरिक रूप से बाधित है, मानसिक रूप से बाधित है, अधिकम असमर्थि वाले बालक है, पिछड़े बालक है, उन सब के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना राममूर्ति कमेटी का महत्वपूर्ण लक्ष्य था बच्चों। उसके बाद आता है विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, भी राममूर्ति कमेटी का मेन उद्देश्य माना जाता है। तो आपने देखा राममूर्ति कमेटी का मेन उद्देश्य क्या था, जिला व प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, और जो बाधित बच्चे हैं या विशिष्ट बालक है या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना इसका मेन उद्देश्य था, और विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना राममूर्ति कमेटी का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जिसका मेन मोटिव यही था कि 1986 की नीति के जो भी तत्व 1986 में समाहित किए गए थे उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। POA कार्यक्रम 1992 कहलाया बच्चों। इन कार्य दल जो 23 कार्य दल थे उनके क्या क्या विषय थे वो देखिए बच्चों। शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना, शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना। आप सब जानते हो बच्चों कि अगर विद्यालय में परंपरागत शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो शिक्षा प्रणाली क्रियाशील नहीं रहेगी, बालक क्रियाशील नहीं रहेगा। और जब तक बच्चों बालक क्रियाशील नहीं रहेगा तब तक ऐसी शिक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। अब बात आती है बच्चों, नेक्स्ट जो कार्य दल था उसका विषय था स्कूली शिक्षा की पाठ्य वस्तु तथा प्रक्रियाएं। स्कूली शिक्षा की पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें हैं, उनकी जो विषय वस्तु है और उनके मध्य जो बालक सीख रहा है, उन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए और उसके क्रियान्वयन के लिए कार्य दल का गठन किया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? राममूर्ति कमेटी की सिफारिश पर। फिर आता है नारी समानता। आप सब जानते हैं बच्चों अगर समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो नारी समानता को आगे बढ़ाना होगा, स्त्री शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा, उनको तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री अगर शिक्षित है तो क्या होगा, हमारा समाज विकसित होगा। इसीलिए इस क्रियान्वयन कार्यक्रम
1992 में नारी समानता पर भी जोर दिया। फिर आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा पर जोर देने के लिए एक नया कार्यदल का गठन इस क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 के तहत किया गया। फिर आता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। आपको पता है 1986 की राष्ट्रीय नीति में भी अल्पसंख्यक शिक्षा का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इसके अलावा इनको छात्रवृत्ति योजना आदि के माध्यम से इनको शिक्षित किया जाए, इसके लिए भी हमारी राममूर्ति कमेटी ने कार्यदल गठित किया गया। विकलांगों की शिक्षा, बच्चों सबसे ज्यादा राममूर्ति कमेटी ने जोर दिया वो था बच्चों विकलांग बच्चे, बाधित बच्चे। बाधित बच्चों को किस प्रकार समावेशी शिक्षा में शामिल किया जा सकता है, इसके लिए कार्यदल का गठन किया गया। प्रौढ़ शिक्षा आप जानते ही बच्चों, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। उसके बाद आता है बच्चों अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको स्कूल समय से पहले और स्कूल समय के बाद उन विद्यालयों में सायंकालीन शिक्षा लगाना, वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा पर जोर देना और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना भी इस राममूर्ति कमेटी का उद्देश्य था। नवोदय शिक्षा पर जोर देना, ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहां पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करना, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना ताकि ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चा आसानी से पढ़ सके। उसके बाद आता है बच्चों व्यावसायीकरण। व्यावसायीकरण का मतलब यह है कि स्कूली शिक्षा को ऐसा बनाना ताकि उसका व्यवसायीकरण हो सके, आगे जाकर के बच्चे को रोजगार मिल सके। उच्च शिक्षा पर जोर देना, उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित करना, उच्च शिक्षा में अनुसंधानों पर जोर देना, ये सब उच्च शिक्षा के बारे में। जो दूरस्थ विद्यार्थी है, जो विश्वविद्यालयों में आकर के अध्ययन नहीं कर सकते और जो डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की, ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। और 1985 में इसी के तहत आपको पता भी है इग्नू को स्थापित किया गया था, तो इग्नू को आगे बढ़ाना भी राममूर्ति कमेटी का कार्यदलों में जो विषय थे वो उसमें एक विषय ये था कि मुक्त विश्वविद्यालयों पर जोर दिया जाए। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, आप सबको पता है बच्चों कि अगर समाज को विकसित करना है, देश को आगे लेके जाना है, औद्योगिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, तो तकनीकी व प्रबंध शिक्षा बच्चे को स्कूली और उच्च शिक्षा केंद्रों में अवेलेबल होनी चाहिए। अनुसंधान कार्यों पर जोर देना, कंप्यूटर साक्षरता, हर बच्चे को कंप्यूटर शिक्षित करना, कंप्यूटर की शिक्षा देना, क्योंकि आप सबको ये भी पता होना चाहिए कंप्यूटर का जनक हमारे उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिन्होंने 1986 की नीति दी, उन्होंने भी कंप्यूटर की शिक्षा पर जोर दिया था। क्योंकि अगर बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देंगे तो आज के समाज में विकसित हो पाएंगे, आज का जो समाज है उस समाज में अपना समावेशन कर पाएंगे। तो कंप्यूटर शिक्षा पर जोर भी राममूर्ति कमेटी में दिया गया। उसके बाद आता है बच्चों उपाधियों को रोजगार से अलग करना, भाषा नीति बनाना। इस राममूर्ति कमेटी ने कहा कि भाषा नीति बनाई जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षा, खेल शिक्षा, इन सब पर जोर देने के लिए भी एक कार्यदल गठित किया गया। शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना पर जोर देना और विभिन्न शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना ताकि क्या किया जा सके, ताकि उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। जितनी भी स्कूली संस्थाएं हैं उन सब का प्रबंधन करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। फिर आता है ग्रामीण विश्वविद्यालय, जो 1986 की राष्ट्रीय नीति में भी शामिल था कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जो हस्त कौशल पर जोर देते हो। किस पर जोर देते हो,
हस्त कौशल पर जोर देते हो, ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। उसके बाद आता है अध्यापकों के प्रशिक्षण। आप सबको पता है अध्यापक शिक्षित है तो समाज शिक्षित है। बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अच्छे और उत्तम शैक्षणिक संस्थानों का होना बहुत जरूरी है बच्चों। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रणाली। आप सब जानते हैं बच्चों कि मूल्यांकन प्रणाली और परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना इस परीक्षा का, इस राम मूर्ति कमेटी के कार्य दलों के जो विषय थे उसमें मूल्यांकन को भी शामिल किया गया था। तो जो 23 कार्य दल थे उनके विषय एक बार और सुन लीजिए। शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना, स्कूली शिक्षा की पाठ्य वस्तु तथा प्रक्रियाएं, नारी समानता, SC ST की शिक्षा पर जोर, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर जोर, विकलांगों की शिक्षा पर जोर, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना, पूर्व बाल्यकाल की परिचर्या, आंगनवाड़ी केंद्र, किन किन कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, खेल खेल के माध्यम से किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए, इन सब के बारे में भी कार्य दल का गठन किया गया था। अनौपचारिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय शिक्षा, व्यावसायीकरण, उच्च शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान, कंप्यूटर, उपाधियों को रोजगार से अलग करना, भाषा नीति बनाना, शारीरिक शिक्षा पर जोर देना, शिक्षा का प्रबंधन करना, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर देना और मूल्यांकन के लिए प्रयास करना, मूल्यांकन प्रविधियों का विकास करना इस राम मूर्ति कमेटी के कार्य दलों के विषय थे। अब बात ये आती है कि ये जो आपके राम मूर्ति कमेटी है इसने विकलांगों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो विकलांगों की शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है, अध्यापक प्रशिक्षण में विकलांगों की शिक्षा प्रकरण होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है जो अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं वहां पे विकलांगों की शिक्षा का प्रकरण एक मुख्य विषय होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में अगर आपके स्कूल में कोई विकलांग बच्चा है तो आपको उसको शिक्षा किस प्रकार देनी है, समावेशी शिक्षा में बच्चे को किस तरह शामिल करना है, ये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में एक शिक्षा प्रकरण के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ये कहती है आपकी राम मूर्ति कमेटी। दूसरा है अध्यापकों में प्रवेक्षण हेतु विशेषज्ञता। आप सब जानते हैं बच्चों शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से बाधित, अपंगता का शिकार, विकलांग, अधिर, अधिगम असमर्थी बालक, इन सब की पहचान करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी, उस चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्योंकि अध्यापक अगर प्रवेक्षण करेगा कि कौन से बच्चे में क्या कमी है तो उसके लिए उसे विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। तो अध्यापकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए विकलांग शिक्षा के लिए, ये बात होती है आपकी राम मूर्ति कमेटी कि अध्यापक को इस प्रकार की विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए ताकि वो ऐसे बच्चों का प्रवेक्षण कर सके। इसके अलावा अध्यापक प्रशिक्षण में विकलांग शिक्षा प्रकरण को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों अधिगम सामग्री, अध्यापक पुस्तिकाएं और निर्देशन विधाओं का विकास किया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक विशिष्ट अधिगम सामग्री, विशिष्ट अध्यापक पुस्तिकाएं और निर्देशन विधाओं के आधार पर समावेशी शिक्षा का हिस्सा बन सके। बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राम मूर्ति कमेटी ने कहा कि ऐसी अधिगम सामग्री का विकास किया जाना चाहिए, ऐसी अध्यापक पुस्तिकाएं बनाई जानी चाहिए और ऐसी निर्देशन विधाएं बनाई जानी चाहिए ताकि विकलांग बच्चा भी सामान्य बालक के साथ समावेशित हो सके। उसके बाद कहा व्यावसायिक शिक्षा, विकलांगों को हस्त कौशल प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सिखाया जाना चाहिए ताकि आगे जाकर के उनको जो कौशल सिखाया गया है वो रोजगारोन्मुख हो सके बच्चों। तो इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। फिर आता है बच्चों अनुसंधान कार्य, इस प्रकार के अनुसंधान करवाए जाने चाहिए ताकि विकलांग शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा
जोर दिया जा सके, विकलांग बच्चे को पहचाना जा सके, विकलांग बच्चे को उसकी आवश्यकताओं के साथ अच्छी योग्यता और क्षमता का उसमें विकास हो सके, ऐसी अधिगम सामग्री इन विकलांग बालकों को प्रदान करने के लिए अनुसंधान कार्यों पर जोर देने की बात कही आपकी राममूर्ति कमेटी ने। ठीक है बच्चों, तो राममूर्ति कमेटी ने विकलांग शिक्षा के लिए पहला प्रयास, अध्यापक प्रशिक्षण में विकलांग शिक्षा प्रकरण, अध्यापकों में प्रवेक्षण हेतु विशेषज्ञता, अधिगम सामग्री, अध्यापक पुस्तिकाएं, निर्देशन विधाएं, व्यावसायिक शिक्षा और अनुसंधान कार्य। अब बात आती है इस राममूर्ति कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की, शारीरिक रूप से जो बाधित बच्चा है उनके लिए क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की वो देखिए बच्चों। प्रत्येक व्यक्ति को विकलांग समस्या से अवगत कराया जाना चाहिए, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को हर प्रकार की विकलांगता का पता होना चाहिए, ये कहना है इसमें। इस प्रकार की सिफारिश प्रस्तुत की कि समाज में ऐसे सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद आता है स्वर बाधित, मुख बाधित, वाक बाधित, इसके अलावा आपका अस्थि बाधित, जितने भी बाधिता है, चाहे स्वर्ण बाधित हो, चाहे मुख बाधित हो, चाहे गंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे अपंग हो, चाहे सेरिलम पॉलिसी से ग्रसित बच्चा हो, मानसिक विकार से ग्रसित बच्चा हो, मंद बुद्धि बच्चा हो, अधिगम असमर्थता का बच्चा हो, उसको उसके आधार पर शिक्षा अवेलेबल होनी चाहिए। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसको आगे की रो में बिठाया जाए, बड़े बड़े अक्षर लिखे जाए, इस प्रकार की प्रोजेक्टर्स की सहायता से पढ़ाया जा सके, ताकि बच्चा चित्र के माध्यम से भी क्या कर सके, अधिगम कर सके। तो ऐसी शिक्षा बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए, ये आपकी राममूर्ति कमेटी की सिफारिश कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकलांग समस्या से अवगत कराया जाना चाहिए। इसके अलावा और कहा कि स्वर्ण बाधित, मुख बाधित को उसके आधार पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा मानसिक दोष से संबंधित बालक हेतु विशिष्ट प्राथमिक विद्यालयों की, अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें बच्चों देखो कहना चाह रहा है कि अगर आपको शारीरिक बाधिता से पीड़ित बच्चा है तो उसकी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किस तरह किए जाने चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर व्यक्ति को इस प्रकार जागरूक किया जाना चाहिए कि हर प्रकार की विकलांगता की जानकारी हर व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए, हर प्रकार की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है स्वर्ण बाधित हो, चाहे मुख बाधित हो, चाहे वाक बाधित हो, चाहे अस्थि बाधित हो, चाहे मंद बुद्धि हो, किसी भी प्रकार का बालक हो उसको किसके अनुसार, उसके आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए, उसकी आवश्यकता के आधार पर ही उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका तीसरा, मानसिक दोष से संबंधित बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए कि मानसिक दोष से पीड़ित बच्चे के लिए उसको इस प्रकार की शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके। उसके बाद आता है मानसिक दोष से संबंधित बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए, और विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए जो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है, अधिगम असमर्थि वाला जो बालक है उनके लिए अलग से प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा इस समिति ने और कई सिफारिशों की बात कही कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है बच्चों वो लचीली होनी चाहिए, लचीली शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और जिस जो मानसिक बाधित है या शारीरिक बाधित है उन बच्चों के माता पिता को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि अगर उनके परिवार में ऐसा कोई बच्चा है तो वो उसको क्या कर सके,
ट्रीट कर सके। इसके अलावा भी क्या कहा गया कि जो मानसिक रूप से बाधित बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। शारीरिक व मानसिक दोषों को रोगियों के बच्चों को सामान्य शिक्षा में इस प्रकार समाहित किया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों में हीन भावना का विकास नहीं हो। इसके अलावा इसने कहा इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसके अलावा अध्यापक प्रशिक्षण पर जोर दिया। अध्यापक प्रशिक्षण पर जोर की बात कही इसने। अध्यापक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मानसिक रूप से जो बाधित है उनके लिए विभिन्न कार्यशालाओं कारखानों श्रमिक संघों कृषि संघों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इस प्रकार की सुविधा जो है इन विकलांगों के लिए की जानी चाहिए। इसके अलावा सामान्य कक्षा में जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके उन्हें तिरस्कार व हीन भावना से ग्रसित न हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा आपकी राममूर्ति कमेटी ने कहा कि जो गंभीर रूप से विकलांग है, कैसे हैं, गंभीर रूप से जो विकलांग है उनके लिए अगर विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था हो रही है तो उनमें हीन भावना का विकास नहीं होना चाहिए। ऐसी बात आपकी राममूर्ति कमेटी ने कहा। तो आज आपने देखा बच्चों क्रियान्वयन कार्यक्रम POA जिसको राममूर्ति कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये कार्यक्रम तैयार किया और संसद के मानसूत्र ने इसको प्रतिपादित किया। MHRD की दिशा में इसका गठन किया गया। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी उसके निर्देशन में इस कमेटी के माध्यम से क्रियान्वयन कार्यक्रम आया 1992 में और इस 92 ने विकलांग शिक्षा में जो शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चे हैं उनके लिए निम्नलिखित सिफारिशें दी कि प्रत्येक व्यक्ति को विकलांग समस्या से अवगत कराया जाना चाहिए, स्वर्ण बाधित और मूक बाधितों को उसके आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, मानसिक दोष से संबंधित बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, लचीली शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, माता पिता को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए, विभिन्न कार्यशालाओं कारखानों श्रमिक संघों कृषि संघों में रोजगार के अवसर इन लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। तो ये आज आपने क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 पढ़ा। आगे हम आगे की जो भी कमेटियां विकलांग बालकों के लिए बनी उन सब के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और BEd सेकेंड ईयर के बच्चे इसको वीडियो को ध्यान से देखें सुने और जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ताकि आप BEd सेकेंड ईयर के जब फाइनल एग्जाम होंगे तो उनमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाती रहूं तो आप मेरे इस नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए इस पाठ्यक्रम के वीडियो बनाती रहूं और आपको अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाती रहूं। धन्यवाद।